किसानों के चेहरों पे उत्साह दिख रहा है, हम लोग के चेहरों पे मायूसी समझ लो आप, क्योंकि महंगे दामों पे जो किसान नहीं आ पा रहे थे बाजार में, उनके रेट ठीक ठाक मिल रहे हैं, लोकल सब्जियां आने लगी है, तो किसानों के चेहरों पे बढ़िया उत्साह टाइप का देखा जा रहा है। अभी तक जैसे बाहर की गाड़ियां आ रही थी, किस तरीके से किसानों को भी नुकसान हो रहा था और आपने उनको दाम भी कम, किसानों को लोकल में ज्यादा दाम नहीं मिल पा रहे थे, अब उस हिसाब से गाड़ियां नहीं आ रही हैं तो किसानों को ठीक ठाक दाम मिल रहे हैं, लोकल सब्जियां आ रही हैं तो किसानों में उत्साह बना हुआ है। आप लोगों में अरे अब हम लोगों में तो मायूसी है ही रोजमर्रा की जिंदगी में जो लगती है सब्जियां वो महंगी होती जा रही है। क्या रेट चल रहा है फिर भी? अभी टमाटर 40-50, आलू 20-25, प्याज 30-40। अभी तक हालात जैसे कि टमाटर 15-20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए किलो। अच्छा, दामों में कितना इजाफा हो गया? दामों में ज्यादा नहीं तो कम से कम 50% का इजाफा है। मैं अब दिनेश चौरसिया, दिनेश चंद चौरसिया। सब्जियों के रेट इस समय आसमान छू रहे हैं, क्योंकि बाहर से सब्जियां नहीं आ रही हैं, लोकल की सब्जी जो है वो किसान यहाँ भी बाहर से न आने के कारण यहाँ के किसान भी ऊंचे रेट पर सब्जियां बेच रहे हैं। ये हम लोगों को काफी फर्क पड़ रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ये अंधा कानून वापस लिया जाए।